वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, हेल्थ के जीवन फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है लो प्लेटलेट काउंट, यानी खून में प्लेटलेट की तादाद कम होने के क्या सिम्टम्स हैं, कौन सी अलामत हैं इंसान के अंदर जाहिर होती हैं। आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, सब बेल के आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारे आने आने वाले वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स, की कौन सी अलामत जो है वो इंसान के अंदर जाहिर होती है जब प्लेटलेट की तादाद जो है वो कम हो जाती है इंसान के अंदर। ये कि खून की एक कंडीशन है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या अलामत हैं। सबसे पहली बात यह है कि प्लेटलेट की तादाद कम होने का इन्हिसार जो है वो इस बात पर है कि बीमारी के हमला जो है वो अगर शदीद किस्म का है या फिर कम शदीद है, यानी इन दोनों सूरतों में ही अलामत जो है वो जाहिर होती है और ये डिफरेंट होंगी। यानी अगर कम शदीद होगा तो जाहिर बात है इसके सिम्टम ऐसा इतने नहीं होंगे, लेकिन अगर सीवियर होगा तो जाहिर बात है इसके सिम्टम्स जो है वो भी एक हार्श होंगे, यानी इंसान के लिए मसाइल जो है मजीद बढ़ जाते हैं। मिसाल के तौर पर कम शदीद सूरत हाल यानी माइल्ड जब सूरत हाल होगी जो कि हमल के दौरान जो है वो होती है, यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो खवातीन को ये मसला हो जाता है, प्लेटलेट जो है वो कम हो जाते हैं, तो ये एक माइल्ड है, यानी इसमें एज सच कोई सिम्टम भी जाहिर नहीं होते हैं और ना ही इतना डेंजरस होता है इंसान के लिए। लेकिन इसकी जो कोई अलामत जो वो भी जाहिर नहीं होते, यानी हमल की वजह से प्लेटलेट की तादाद कम हो जाती है पर इसकी अलामत जाहिर नहीं होती है। लेकिन सीवियर यानी ज्यादा जब शदीद किस्म का हमला होगा, यानी सीवियर केस जिनमें ना रुकने वाली ब्लीडिंग है, यानी खून जो है वो बहता रहता है, ऐसी सूरत हाल में डॉक्टर से जो वो फौरी रब्ता करने की जरूरत होती है। प्लेटलेट कम होने की सूरत में जाहिर होने वाली जो अलामत होती हैं वो ये हैं, सुरख जामनी और ब्राउन रंग के जख्म होते हैं, ब्रूसिस होते हैं या खराशे होना जो है शामिल है इसमें। नेक्स्ट जो सिम्टम है वो रैशेस जाहिर होते हैं, यानी स्किन जो है वो लाल और जामनी रंग की होती है और ये कंडीशन जो है वो डॉट्स यानी नुक्तों की सूरत में जो है वो जाहिर होती है। इसके अलावा नाक से खून बहना इसके सिम्टम में शामिल है, मसूड़ों से खून बहना इसमें शामिल है, यानी गम्स ब्लीडिंग हो सकती है, जख्मों से लंबे अरसे तक खून जो है वो बहना इसके सिम्टम में शामिल है, या फिर खून बहना जो है वो खुद बखुद बंद नहीं होता है, यानी ऐसी सूरत हाल होने की सूरत में आपको डॉक्टर से रब्ता करने की जरूरत होती है। इसके अलावा औरतों को माहवारी यानी मेंसेस के दौरान हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, यानी बहुत ज्यादा और तेज पीरियड्स मेंसेस के दौरान जो है वो खून का बहना है। इसके अलावा रेक्टम से खून बहना, पखाना या पोटी में खून आना, यूरन पेशाब में खून आना जो है वो इसके सिम्टम में शामिल है। इसके अलावा ज्यादा सीरियस केसों में इंटरनल ब्लीडिंग यानी जिस्म के अंदर जो है वो खून बह सकता है इंसान के, और जिस्म के अंदर खून बहने की सूरत में जो है वो इंटरनल ब्लीडिंग जो है वो जब होती है तो उसकी सूरत में जाहिर होने वाली जो अलामत है वो ये है, यूरिन पेशाब में खून आना, पोटी पखाने में स्टूल के अंदर यानी खून आना, यानी ऐसे मरीज जब स्टूल पास करते हैं तो इसमें जो वो ब्लीडिंग होती है खून होता है। नेक्स्ट है खून आलूदा उल्टी या फिर गहरे रंग की उल्टी आना इसमें शामिल है। इंटरनल ब्लीडिंग की सूरत में यानी जिस्म के अंदर खून बहने की सूरत में जाहिर होने वाली जो अलामत होती है, इस सूरत में आपको फौरी जो है वो डॉक्टर से रब्ता करने की जरूरत होती है। बास केसों में इंसान के दिमाग के अंदर जो वो खून बह सकता है जो कि बहुत ही कम होता है, रेयर चांसेस होते हैं कि इंसान के दिमाग के अंदर जो वो खून बह जाए, यानी ये एक रेयर केस है, यानी बहुत कम लोगों में ये चीज होती है अगर हो तो। अगर आपके अंदर प्लेटलेट की तादाद कम हो गई है, इस दौरान अगर आपके सर दर्द होता है या कोई भी असाबी मसाइल होते हैं, यानी न्यूरोलॉजिकल जो है वो मसाइल अगर आपको सामना है, ऐसे मसाइल का अगर आपको सामना है तो आपको फौरी तौर पर डॉक्टर से जो रब्ता करने की जरूरत होती है। टॉपिक आपके इंटरेस्टिंग रहा,
پلیز مزید وینو سر رائے پیارے پر اگر کمک صاحب کے پیچھے ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اگر کوئی بات سیکھنے کو ملی ہے پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر ضرور کیجیے گا، آپ کی کوئی کیوریز ہے کوشچن اس ٹاپک کے حوالے سے اس کو ضرور لکھیے گا۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔